बेखौफ होए लुटेरियां ने सुनियारे नु बंदी बना कीती लखां दी लुट। महज 8 मिंटां दे विच लुट के लै गए लखां दा सोना ते नकदी। सीसीटीवी कैमरे च कैद हुईयां लुट दियां खौफनाक तस्वीरां। सत श्रीकाल टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसीं ते मैं हाजिर। इस वेले जेकर पंजाब दे हालातां दी गल कीती जाए तां पंजाब दे ऐसे खौफनाक हालात हो चुके ने कि लोग अपने घरां दुकानां दे विच ही सुरक्षित नहीं ने। इत्थे लुट खो दियां वारदातां शरेआम वापर रहियां ने, जिस विच कि ताज़ा मामला सामने आया एक सुनियारे नूं बंदी बना के उसदे कोल लखां दी लुट दी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया। महज 8 मिंटां दे विच इस पूरी लुट दी वारदात जिहड़ी है ओह उसनों अंजाम दिता जाता बाइक सवार लुटेरिया के वलों, तो सारी घटना जी है सीसीटीवी कैमरिया दे विच कैद हो जाती है। जानकारी सामने आ रही है कि इस लुट की वारदात के दौरान सनियारा जिहड़ा वो बुरी तरह जख्मी भी होया दसिया जाता है, क्योंकि इन्हां लुटेरिया के वलों बेखौफ होकर तेज़धार हथियारों के नाल उसकी ही दुकान के अंदर वड़ के उसके उत्ते हमला किया गया। उसकी दुकान के उत्ते पिया लखा का गहना अते नाल दी नाल नकदी लैके ये लुटेरे बड़े बेखौफ ढंग दे नाल उत्थों फरार हो जांदे ने। इस सारी घटना दे बारे जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक लुधियाना दे विच ये वारदात वापरी है, जिथे कि अमीर चंद ज्वैलर्स नाम दा जिहड़ा सुनियार है उसदी जिहड़ी दुकान है अमीर ज्वैलर्स उसनों निशाना बनाया गया। जानकारी सामने आउंदी है कि लुधियाना दे विच तेज़धार हथियारां दे नाल जिहड़ा है इन्हां बदमाशों के वलों बुजुर्ग नूं दुकान के अंदर ही पहला बंदी बनाया गया सीगा, और बाद दे विच तेज़धार हथियारां दे नाल डराउंदे धमकाउंदे होए उसके कोलों गहने ते नकदी लै के ये लुटेरे जिहड़े हुंदे ने मौके तो फरार हो जांदे ने। लखां रुपए के गहने दसे जांदे ने, नकदी दसी जांदी है। तो यह सारी घटना जिहड़ी है लुधियाने दे विच जमालपुर की सरपंच कलोनी के नेड़े पैंदे आलू वाली कलोनी दे विच वापरी है, जिथे कि बाइक सवार दो बदमाशों के वलों अमीर ज्वैलर्स नाम की दुकान निशाना बनाया गया। दसिया जाता है कि अमीर ज्वैलर्स के मालिक जिहड़ा है अमीर चंद दुकान के अंदर ही लॉक लगा के रेस्ट कर रहा सीगा। इस दौरान बाइक के दो नौजवान आते हैं, उन्होंने वालों दुकान का गेट खटखटाया जाता है। अमीर चंद सोचता कि शायद ग्राहक हो सकते हैं, यह समझ के वह लॉक खोल लेंदा है। तो अचानक ही यह बदमाश दुकान के अंदर वड़ के उन्होंने बंदी बना लेंदे ने। उन्होंने गले के उत्ते दसिया जाता है कि तेज़धार हथियार रखे जाते हैं, ना दी ना सारा सोना नकदी लुट के मिंटा सकिंटा दे विच ही उत्थों फरार हो जाते हैं। इस दौरान अमीर चंद के उत्ते ये भी दसिया जाता कि हमला भी किया गया सी। जदों बदमाश उत्थों निकल जाते हैं तो खून के नाल लथपथ हालत दे विच ये जिहड़ा सुनियार है जमीन पर डिग्गिया पिया हुंदा है। अचानक ही एक होर नौजवान जिहड़ा अंदर वड़दा उसके वलों शोर मचाया जाता है कि किस तरह की लुट हुई है। बाद दे विच सारे जो उस वेले दुकानदार बाकी मौजूद सन उन्होंने वलों इस सुनियारे की मदद की जाती है, तो उस निजी हस्पताल दे विच ले जाया जाता है, जिथे कि हाले उन्हों का इलाज चल रहा है। जानकारी सामने आती है कि नज़दीकी दुकानदार जिहड़ा दसिया जाता है उसके वालों एक गल सामने आई थी कि बाइक सवार बदमाश जिहड़े ने दुकान दे विचों सोना नकदी लुट के फरार हो गए सन। जदों उन्होंने वालों अमीर चंद नू देखा गया, बाद विच देखा गया कि अमीर चंद किस हालत दे विच पिया होया, तो तस्वीर सामने आउंदियां ने कि खून के नाल लथपथ हालत दे विच उस सुनियारा जमीन पर डिग्गिया पिया सीगा। शोर मचाउण तो बाद बाकी दुकानदारां नू जदों इस गल का पता लगता है तो हमलावरां का पिछा करन की भी कोशिश की जाती है, पर नाकाम हो जाते हैं। हालातों देखदिया होया इस सुनियारे नू निजी हस्पताल पहुँचाया गया। फिलहाल इस सारे मामले पर दसिया जाता है कि पुलिस वालों मौके पर पहुँच के पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी कैमरिया के आधार पर दोषियों की जिहड़ी है तलाश की जा रही है, तो नाल दी नाल ये भी दसिया जा रहा है कि फोरेंसिक टीमां भी मौके पर बुलाईया गया ने, जिसने वालों ब्लूप्रिंट लैके सारी जाँच पड़ताल करके इन्हां लुटेरियां की जिहड़ी है जाँच पड़ताल की जाएगी, उन्होंने तलाशी की जाएगी। फिलहाल वड्डी लुट की वारदात जिहड़ी आ वापरी आ लुधियाना दे विच एक सुनियारे की दुकान नूं दुबारा तो निशाना बनाया गया। तेज़धार हथियारां दे नाल उस सुनियारे दे उत्ते वार किए गए, तो महज 8 मिंटां दे विच इस वड्डी लुट की वारदात नूं अंजाम दिता जांदा। महज दो बाइक सवार आउंदे ने, उन्हां दे वल्लों दरवाज़ा खटखटाया जांदा, तो जदों सुनियारे दे वल्लों दरवाज़ा खोल दिता जांदा तो उसनूं ही बंदी बना के खून दे नाल लथपथ हालत दे विच छड के ये बदमाश उत्थों सोना ते नाल
ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 3:15 ਵਜੇ ਅਮੀਰ ਜਵੈਲਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਗਲ ਤੇ, ਹੱਥ ਤੇ, ਗਲੇ ਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਮੋਨਿਕਾ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਲਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੜਾ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ, ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਲੂਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੰਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।